सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री बलिदान भूल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सप्तशलोके दुर्गा शिवोवाच। देवितं भक्तसलवे सर्वकार्यविधायने कलहे कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं रोहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश साधनं मया तवेव स्नेहेनाप्यम्बासुधिः प्रकाशत। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टवछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवतः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामभिचेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यति। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिं शेषयन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा कृचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थि हरे देवे नारायणे नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते देवस्रायिणो देवि दुर्गे देवि नमस्ते। रोगानशेषानभस्य दुष्टा रुष्टादुकामान् सकलानमिष्टान् त्वामाश्रितानामभिपन्नराणाम् त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अश्वदैविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गास्तोत्रे शतनाम स्तोत्रे ईश्वरवाच। शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु श्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ॐ सति साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनि आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महासभा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञाविनाशिनी अवर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जेररञ्जनी अमेयविक्रमा क्रोरा सुन्दरी सरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमणिपूजिता
ब्राह्मी महेश्वरी चंद्र कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकेटवहन्त्रे च चण्डमण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकसहस्रहस्ता च अनेकसहस्रधारिणी कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यदि अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवधूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मभासिनी जानितं प्रभटे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायम् अयम् अश्विनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्द्रे लभन् मुक्तिं च शाश्वति कुमारीं भोजयित्वा दोध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयत्वया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासतां जान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलज्जयन्त्रामिधिना विजज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रशद्विषाङ्गदे दिलख्य प्रभटे सोदनं सर्ववे संवदां पदम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण ही इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य करें माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं दीर्घायु को प्राप्त होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए
इस मजगजन ने मजगदम्बा की आराधना रचना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणान भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टभ छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जन्यासोत्तमातरो बीजम् दिगबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगद्गुरुं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जन्मकस्याचिदाख्यातं तन्मे लोहे पितामह। ब्रह्मोवाच अस्य गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तोकवचं पुण्यं तशृणश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे चैव विरारता शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या प्रधानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये स्वां सुमरन्ति देवेशे रक्षसे दानसञ्चया प्रेतसंसाधु चामुण्डा भारा हि महिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारीशुगवाहना लक्ष्मी रतनासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपरथा देवी ईश्वरी मृगवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिम् अलं च सदायुधं खेटकं दोमरं चैव परशुरं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां विराय च दारयन्त्रायुधानित्यं देवानां विहिताय वे नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने ग्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धने प्राज्ञां रक्षतु मामेन्द्रे अग्ने रामग्ने देवता दक्षिणे वधुभाराहि नैऋत्यं गणगधारिणि प्रतिजाम्बारुणि रक्ष वायव्यां मृगवाहिनि उदिजाम्बाधुकौमारि एषाण्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष सहस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रता पातु विजया पातु मृष्यता अजा भाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योतने रक्ष उमा मूर्धने व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च प्रभो रक्ष दशस्वने त्रिनेत्रा च प्रभोर्मध्ये शमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासने कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरस्य च शिका अधरे चावृतकला जिह्वायं च सरस्वती दन्तानरक्षतकौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चुभकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वै कण्ठे नलिकामलगूपरि
स्कंदयो खड्गनी रक्ष बाहु में वज्रधारणी हस्तयोर दंडनी रक्ष अंबिका चांगुलेशु च नखांशुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरी स्तनो रक्ष महादेवी मनाशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौच कामनी रक्ष गुह्यांगुहेश्वरी तथा भूतना कामिका मैडम गुदे महिषवाहिनी कन्यां भगवती रक्ष जाननी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायिनी गुलभयोर्नारसिंहेश पादपृष्ठेतुतेजसी पादांगुलेषु श्रीरक्ष पादादस्तलवासिनी नकांशाकराले च केशाञ्चेवर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु गोवेरि त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्य मेधांसि बालुनि अनेकालरात्रेश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोश कफे चूडामणि सदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वरजस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च शक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रालक्ष्मीन् महालक्ष्मीर्वायां रक्षतु वैरवी पन्थानां सुरारक्षन् मार्गं केमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं जस्तानं भर्जितं कवचेन तु तः सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनि पदमेकं न गच्छतु यदेच्छेषु महात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं दं दं रामणादिनेशदं रामेश्वरे अमतुलं राजते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्येषु भवेद्भूष्य कवचेनावृतः भवान् इदं दूतेभ्यः कवचं देवानाम विधुर्लभम् यः पठेद्भयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शुद्ध्यामितः देवी कला भवेतस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि जद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचरा चैव जलजा चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्यः च महाबला ग्रहभूतविशाचाश यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डावैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संसदे मानो न च भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा जावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलावनकाननम् तावदिष्यति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपोत्रिके देहान्ते परमं स्थानं जस्वरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः जवते परमं रूपं शिवेन धर्मोदते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनश्वरछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बापीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनि दुर्गा च माशुवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते
जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते मधुकेटवभिद्रावि विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्तबीजपते देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि शुम्भसेवन शुम्भस्य धूम्रकर्षमर्दनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि भण्डिताङ्ग्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा वक्ता चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि स्तुभद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चण्डिके सुरं जयत्वं अस्य जयन्ते भक्तिदा रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टानाशं विदेहि बलमुच्यते रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं विशुषवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि प्रचण्डचैत्यसर्वज्ञे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चतुर्मुखे चतुर्भक्त संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुते देवि षट्वर्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सदभाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि पदमे मनोरमां देहि मनोवित्तानुसारिणे तारणं दुर्गसंसार सागरस्याकुलोद्भव इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशति संख्या परमाप्नोति सम्प्रदाम् अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुपछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीतिप्रचक्षुषे श्रियाभ्रातृनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्यानीया मन्त्राणामविकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्धन्तुचाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नोषधं तत्र न किञ्चेत् विविध्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमाहर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायासु तच्च गुप्तं जकारसः समाप्तिना च पुण्यस्य तं च तावन्यनियन्त्रणा सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशया
कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिग्रहणादि नान्यतेजा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलिता ज्योतिशिलामितायिनां नित्यं जपति संस्फुटा सा सिद्धा सा गणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाभ्यर्थस्तस्य वयं वापि अजायते नापमित्योपशं जाते मृतो मोक्षं वाप्नुयात् यद्वा प्रारभ्य गुरुवेत नागुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते सुतैः सौभाग्यादि तत्किञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शिवं क्षणेषु जाप्यमानस्मिन् स्तोत्रे सम्भतिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्य मे व्रतात् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहाणि परो मोक्ष सूयते सा न किं जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रे ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदनि नन्दरुदे गिरिवरविन्दजिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि विष्णुदे भगवते गिरिकण्ठकुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे मयि चादुर्मर्दनि रङ्गकवरदनि जगतते दुर्वरवरदनि दुर्धर दर्शनि दुर्मुखमर्दनि हरदरते शिवमणमोचनि शङ्कर दोजनि गिरिविषुमोचनि गोचरते धनुजनि रोचनि दिदुदुरोचनि दुर्मधुचोचनि सिन्धुते जय जय हे मयि चादुर्मर्दनि रङ्गकवरदनि जगतते ऐ जगदम्बमदम्बकदम्बवनप्रियवासनि आदरते शिखरि शिरोमणि दङ्गर्मालय शङ्करजालय मद्गते मधुमधुरे मधुमेतवञ्जनि चेतवञ्जनि राधरते जय जय हे मयि चादुर्मर्दनि रङ्गकवरदनि शैलसुते ऐ गतकण्ठविकण्ठतुरुण्डविदुण्डविदुण्डगजाधिपते ण्डपराक्षमुण्डपृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितकण्डविपातितमुण्डपटाधिपते जय जय हे मयि चादुर्मरदनिरङ्गकवरदनिशैलसुते चतुर्विचार दुरे नमाशिवतोप्रमुताधिपते हे मयि चादुर्मरदनिरङ्गकवरदनि चलसुते मयि चरणागत वैरिवधूमलवीरवरावयदायिकरे शिवमणमस्तकचूलविरोधि शिरोधि कृतामलचूलकरे दुमि दुमि तामरदुन्दुविनादमहोमकरे जय जय हे मयि चादुर्मरदनिरङ्गकवरदनि चलसुते निराजतोम्रविलोचन सोम्रजते समरभिशोजत चोनितबीजलते शिव शिव चुम्बन चुम्बमावतर्पितभूतभिचाचरते जय जय हे मयि चादुर्मरदनिरङ्गकवरदनि चलसुते धनुरणुगङ्गरणाञ्जनगङ्गपरेश्वरगङ्गरतर्कटके कटभृजङ्गभृजङ्गरदपटसिङ्गतावतिके चतुरङ्गबलाञ्जतिरङ्गगदपौरङ्गरपटुके जय जय हे मयि चादुर्मरदनिरङ्गकवरदनि जलसुते जय 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 जन्तपरस्तुतिकन्परमेश्वरते जन 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 जम जङ्गतोपरसिञ्जतमोहितभूतपते जय जय हे मयि चादुर्मरदनिरङ्गकवरदनि चलसुते हरि सुमना 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 सुमनोहर कान्तसुते चतुरजने रजने रज
Thank you.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्र द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजननी का ध्यान करते ही, माँ का नाम स्मरण करते ही, माँ भगवती की स्तुति करते ही, माँ से प्रार्थना करते हैं, इस माँ जगजननी जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बन जाती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह भक्तजन, वह साधक जन जो है, जो ही मन में चिंतन करते हैं, जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्त होते निश्चितम परमेश्वर मतलम प्राप्त भूतले भवान। जो ही मन में अपने में चिंता कर, जो चिंतन करते हैं, जो ही व्यभिचार करते हैं, इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन कार्यों में उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता ही और बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होती है। इसलिए प्रार्थना में, माँ की साधना में, माँ की भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और सच्चे हृदय से जो भक्त जन निजम पूर्वक जो है प्रतिदिन माँ का स्मरण करते, माँ का ध्यान करते, माँ के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन माँ को नमस्कार करते, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में इन तीनों देवियों की, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से
उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है, उनके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं होती। वे निरोगी जीवन जीते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस लोक में परम कल्याण को प्राप्त होती है और उनका परलोक भी जो है वह कल्याण में हो जाता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, उन्हें प्रजतन पूर्वक इस देवी की पूजा, इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। देवता भी जो है इसी शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का पत्ता जो है वह डूल नहीं सकता। देवता पर भी कोई संकट आते विपत्ति आती है तो संकट काल में समस्त देवता गण भी सभी इकट्ठे होकर के इस माँ भगवती की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता जो प्रकट होती है, देवताओं का कार्य सिद्ध करती है, भक्तों की रक्षा करती है और पापियों का नाश करते हैं। आप जानते हैं कि जिन कार्यों को देवता सिद्ध नहीं कर पाए उन असाध्य कार्यों को जो है इस माँ भगवती ने सिद्ध किया है। जिन देवताओं को देवता पराजित नहीं कर पाए उन देवताओं को जो है माँ ने पराजित किया है। इसलिए इस देवी की जब कृपा होती है, जिन पर माँ भगवती कृपा हो जाती है उन भक्तों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और जब जब भक्ति कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, इसकी कृपा नहीं होती है तो फिर तो संभव भी असंभव हो जाता है। इसलिए भक्तजन जो है इस जगजन्य जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के कर्वद माँ से यही प्रार्थना करते कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना, हमें अपने चरणों की अविचल भक्ति पर ध्यान करना, सर्वदा अपने चरणों से लगाए रखना, ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि हम जो है सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी हम पर कृपा करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं आपको बतला रहा था कि भगवान की साधना, जे भक्ति जो है, प्रार्थना जो है अद्भुत शक्ति होती है। जब हृदय से साधक प्रार्थना करता है तो भगवान जो है उसके हृदय की बात को सुनते हैं। भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना, क्योंकि नाम जप से ही जो है परम सिद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो है वह सुखद हो जाती है। कहते हैं कि एक बार एक साधक जो था, मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान की साधना करूं, तब करूं, साधु बन गया, घर से निकला, वन में चला गया और एक अंदरा में रहते हुए, गुफा में रहता हुआ वह तप करने लगा। भगवान की साधना करते करते 6 वर्ष बीत गए तो जो है एक दिन जो है उनके मन में जो विचार आया कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं भगवान मुझ पर कृपा करें और कैसे भी मेरा मार्गदर्शन हो ताकि जो मैं भक्ति कर रहा हूं इस साधना में जो है मैं सफल हो सकूं, इस प्रकार से ऐसे मन में इच्छा हुई और उसने जो है प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कि जो है मुझे अपने आदर्श के समान ही जो है ऐसा कोई उत्तम महापुरुष बतलाइए जिनका अनुकरण करके मैं अपनी साधना पथ पर जो है आगे बढ़ सकूं, मैं सफल हो सकूं, ऐसा कोई ऐसा आदर्श मुझे पुरुष जो है ऐसा मिल जाए, महापुरुष के दर्शन हो जाए जिसका अनुकरण करने से मेरी साधना जो है आगे बढ़ सके, साधना में मैं सफल हो सकूं। कहते हैं कि इस प्रकार जब उसने चिंतन किया, भगवान से प्रार्थना की तो उसी रात्रि को जो है कहते कि देव कृपा से एक देवदूत जो था उस गुफा के अंदर आया और उसने उस संत महाराज से कहा कि आप जो है इस प्रकार से यदि आप जो है अपना कल्याण चाहते हैं, साधु ने जिस प्रकार से ऐसा चिंतन किया उसी दिन जो है उसे जो है देवदूत के जो है दर्शन हो गए और वह कहते हैं कि यदि आप जो है
सद्गुणी और जो है पवित्रता में सबका मुकुट मणि बनने की इच्छा हो तो जो है उस मस्त भिखारी का अनुकरण करें जो कविता गाता है और जो है भिक्षाटन भीख मांगता है, इधर उधर जो है वह भटकता हुआ भीख मांगता हुआ है, ऐसा वह भिखारी जो है उसका अनुकरण कीजिए। वह भिखारी है, कविता गाता है, इधर उधर भटकता है और जो है यदि उसका अनुसरण करें तो तेरा कल्याण हो सकता। बोले सच्चे दरबार की जय। देवदूत जो था वह तो अंतर ध्यान हो गया। आप देवदूत ने जो कहा, साधु को बड़ा क्रोध हुआ, 6 वर्ष तक में तप करता रहा। आप जो कहते हैं कि भिखारी का अनुसरण कीजिए, उसका अनुकरण कीजिए तो ही तेरा कल्याण हो सकता है। फिर उसने सोचा कि देवदूत की बात है, यदि उसने कहा है तो भिखारी को ढूंढना चाहिए, भिखारी कौन है। अब जो है वह उस कंदरा से निकला और फिर ढूंढने लगा उस भिखारी को। घूमते घूमते जो है आखिर एक दिन जो है वह भिखारी जो था उससे मिल गया जो कविता गा रहा था। देखा उसने वह लोगों का मनोरंजन करता है, कविता गाता लोगों को सुनाता है और जो भिक्षा मिलता है उसी में आनंदित रहता है, बिल्कुल मस्त है, कोई किस चीज की चिंता नहीं है, मस्त है। और जो है इस तरह से वह जो भी भिक्षा से जो टुकड़ा मिलता है उससे अपने उधर पूर्ति करते हैं और कविता गाता है। ये देख करके उस संत महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका अनुकरण करने के लिए मुझे देवदूत ने कहा है। तो अब जो उसके पास गया और जाकर उससे कहा, महाराज आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा कोई पुण्य कर्म किया है जिससे आप पर भगवान जो है अति प्रसन्न है, ऐसा कौन सा सत्कार किया है। क्योंकि जब देवदूत आया तो भगवान की प्रेरणा से ही आया, महापुरुष के दर्शन हुए हैं तो उसकी कृपा से हुए हैं, इसका कारण कि भगवान जो है इस भिखारी पर बहुत प्रसन्न है। तो ऐसा कौन सा सत्कार जो है, ऐसा कौन सा आपने कोई पुण्य कर्म किया है जिसके फलस्वरूप जो है भगवान जो है आप पर अति प्रसन्न है। तब उस भिखारी ने उस संत महाराज जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरा मजाक क्यों लेते हो, मैं एक भिखारी हूं, कविता गाता हूं, लोगों का मनोरंजन करता हूं, जो मिलता उसी में मस्त रहता हूं, फिर मैंने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया, पुण्य कर्म किया है जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न है। मैंने कोई ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया। तो उसने कहा, फिर भी कोई ना कोई तो आपने कोई अच्छा कर्म किया है, ऐसा कोई सत्कर्म जो है जिसके फलस्वरूप जो है भगवान आप पर प्रसन्न है। बसंत महाराज उससे कह रहे हैं, तब जो सुनकर उस भिखारी ने कहा, महाराज मुझे तो कुछ याद नहीं अपने जीवन में मैंने कोई अच्छा काम किया हो, मुझे कोई याद नहीं, कोई ज्ञात नहीं कोई जीवन में अच्छा काम किया हो। तब जो है उस संत महाराज ने कहा, फिर मुझे ये बतलाओ कि आप जो है भिखारी कैसे हुए, भिखारी कैसे बने, क्या आप कोई दुराचारी थे, आप बड़े कोई बुरे कर्म किए हैं जहां कोई आपका धन छिन गया, किस कारण से आप जो है भिखारी हुए, इसका कारण मुझे बतलाओ। तब जो है उस भिखारी ने कहा कि महाराज एक समय की बात है, मैं जा रहा था तो रास्ते में एक स्त्री जो है बड़ी भयभीत थी और इधर उधर भाग रही थी, परेशान थी। जब मैंने उसकी परेशानी का कारण जाना तो पता चला कि इसका पति और पुत्र जो है कर्ज के कारण जो है जे गुलाम बना लिए गए और उनको बेच दिया गया, बहुत कर्ज हो चुका था, उधार था। अब जो है साहूकारों ने जो है उन्हें गुलाम बनाया और फिर उनको बेच दिया। अब जो है कुछ लोग जो है उस स्त्री के पीछे भी
पड़े हुए उसको अपना बनाने के लिए। वह भयभीत होकर के इधर उधर भाग रही थी, तब मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, भय छोड़ दीजिए, नर्वे हो जाइए। तो मैं उस नारी को, उस स्त्री को अपने घर ले आया और फिर जो है अपनी जितनी भी संपत्ति थी, सारी जायदाद जो थी, मैं सारी के सारे उन साहूकारों को बेच दी और उसके पति और पुत्र को जो है छुड़ा दिया, उनको जो है मुक्त किया और उस स्त्री को जो है उसके पति और पुत्र से मिला दिया। उसके बाद मेरे पास कोई साधन नहीं था रोजी रोटी का, क्योंकि सब कुछ भेज करके जो है मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। तो सब कुछ देख करके जो है मैंने उन दोनों को छुड़ा करके और उसके पति और पुत्र को जो है उससे मिला दिया। उसके बाद जो है मैंने तो अपने घर का त्याग कर दिया, क्योंकि सबको बेच चुका था, त्याग किया। तब जो है मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, कविता गाता हूँ, कविता गाता हूँ, जो उसके कृपा से मिलता है उसी में मस्त रहता हूँ। बस यही कारण है मेरे भिखारी होने का। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब जिस बात की बात, जो भिखारी की बात को सुनकर के कहते कि साधु महाराज की आंखों में आंसू आ गए, आंसू टपकने लगे और कहते कि उस समय उस साधु महाराज ने उस भिखारी को अपने गले से लगा लिया। देखिए परमात्मा किस रूप में कहां किसको मिल जाते हैं इसका पता ही नहीं। तभी कहा है तुलसी जा संसार में, तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान किस रूप में कहां मिल जाए, इसलिए सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। कैसे भगवान आपका कल्याण करना चाहते हैं आपके जीवन में, कभी कोई सेवा मिल जाती है और रास्ते में चल रहे हैं, कोई बीमार है रास्ते में, जब माँ की सेवा है और माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जब इस बीमार व्यक्ति की आप सहायता कर देते हैं तो ये माँ की सेवा आपके दर्शन हो गए। जैसा ही कॉल में बताया था राजा रंती देव जी, उसने पाली पिला करके ही जो है भगवान को प्रसन्न कर लिया था। अब भगवान किस रूम में आ जाए इसको कोई पता नहीं। कहते हैं कि साधु महाराज ने उस भिखारी को अपने गले से लगा लिया और इस प्रकार से आंखों से आंसू आ गए और फिर जो है कहने लगा कि अपने जीवन में मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा कोई काम नहीं किया, मैंने अपने जीवन में तेरे जैसा कोई काम नहीं किया, भक्ति की साधना की भगवान की, परंतु तेरे जैसा काम मैंने नहीं किया, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। सचमुच जो है तू आदर्श साधु है, तेरा अनुकरण करना चाहिए, तो आदर्श साधु है, मेरा मार्गदर्शन आपने किया है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से भी जीवन में जो है, क्योंकि जी मनुष्य शरीर जो है अनमोल रत्न है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। अब इसी शरीर से जो है मनुष्य सत्कर्म कर करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, क्योंकि जी एक साधन है, आप इसी से साधना कर सकते हैं, दीन दुखों की सेवा कर सकते हैं। और यदि जीवन में कोई ऐसा संकल्प ले ले कि मुझे जो है विद्या दान करना है, कोई भी सत्कर्म जो है आप कर सकते हैं, प्रतिदिन जो है आप आधा घंटा एक घंटा जो है 24 घंटे में से निकाल करके जिस सत्कर्म करना है को छोटे छोटे बच्चों को बुला करके जो आपके पास ज्ञान है उन बच्चों को सिखाइए। विद्या दान सबसे बड़ा दान है, ऐसे कुछ कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं, सब कुछ है, जीवन कर सकते हैं जब कोई ऐसा संकल्प ले लेते हैं। प्रयत्न जो है किसी मंदिर में जाकर के सेवा कार्य कर दीजिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हम पर ऐसा ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि ताकि जो है हम सत्कर्म करते हुए, धर्म कर्म करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसकी कृपा होती है तो ही मनुष्य के हृदय में सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम जो है भगवान का ध्यान करें, भगवान का, भगवान के नाम का जप करें,
तीर्थाटन करें, गंगा स्नान करें, माँ वैष्णो देवी के दरबार में चले, माँ के दर्शन करें, माँ के नाम का जप करें, क्योंकि नाम जप जो है ये ऐसी संपत्ति है, ऐसी निधि है कि जिससे मनुष्य का इस लोक में कल्याण होता है और परलोक भी उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए जब भी इस प्रकार सौभाग्य प्राप्त हो जाए माँ के दरबार में आकर के या किसी भी तीर्थ में जाकर के सत्कर्म करने का, तो वहां बैठ करके उस देव का नाम जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और कहीं इस प्रकार की सेवा मिल जाए तो सेवा जो है ये कार्य जो है इसमें ये ऐसा पुण्य है कि कोई गरीब है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, अभावग्रस्त है, जिसके पास पहनने के लिए तन में कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, ऐसे व्यक्ति को खाने के लिए देंगे तो कितना प्रसन्न होगा और किस हृदय से आपको आशीर्वाद देगा। वह आशीर्वाद अद्भुत आशीर्वाद होते हैं। आप सोचते हैं मैंने जीवन में कुछ किया नहीं, परंतु आपके जीवन कोई अज्ञानता वश ही आपसे कुछ ऐसा हो जाता है, ये भी उसकी प्रेरणा से होता है। यदि उस महाराज से जो है यदि जो सत्कार हुआ, ये स्त्री जो थी परेशान थी, दुखी थी, उसके दुख को उसने दूर कर दिया, उसको सुख दिया, तो उसको सुख अपने आप मिल गया। ऐसे कोई सत्कर्म हो जाते हैं मनुष्य से जिसको याद भी नहीं रहता मैंने कोई सत्कर्म मुझसे हुआ है, तो उसका फल जो है अद्भुत होता है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो बड़ी भाग्यशाली है जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवत की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जे परम पवित्र स्थली जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर तो बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाते हैं, फिर जो भक्त इस प्रकार श्रद्धा युक्त होकर के इन स्तोत्रों द्वारा भगवती का स्तवन करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, जो मंत्र जो स्तोत्र जो है ये परम शक्तिशाली है, इन्हीं मंत्रों के द्वारा, इन्हीं स्तोत्रों के द्वारा देवताओं ने भी माँ की साधना कर करके परम सिद्धि प्राप्त की थी। और इसलिए जो निरंतर प्रतिदिन जो है ये कवच पाठ आपने जो किया है, इसका पाठ करने से जो है मनुष्य सब ओर से सुरक्षित हो जाते हैं, उससे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, निरोगी जीवन प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर हो जाती है, कभी जीवन को विघ्न बाधा नहीं आती। फिर महिषासुर का पाठ जो आपने किया, ये स्तोत्र पाठ जो है महिषासुर मर्दनी जो है यही भगवती आदिशक्ति जो है माँ लक्ष्मी उस समय जो है ये प्रकट होकर, क्योंकि महिषासुर ने तीनों लोक में त्राही त्राही मचा दी थी, इतना आतंक था उसका, सभी ऋषि मुनि देवता मानव सब उससे दुखी थे। और उस संकट काल में जब देवता ने प्रार्थना की तो माँ स्वयं जो है प्रकट हुई और उस महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध करने से ही जय भगवती महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हुई। और इस प्रकार स्तोत्र का जो पाठ करते हैं उनके शत्रु का नाश होता है, शत्रु विजय प्राप्त करते हैं, उनके दुखों का नाश होता है और सुख की प्राप्ति होती है, जीवन सुख में बहुत जाता है। इसलिए स्तोत्र के सामान्य स्तोत्र नहीं, और प्रतिदिन निजपूर्वक जो पाठ करते हैं उनके जीवन कभी कोई विघ्न बाधा आती नहीं, कोई दुख आता नहीं, कभी कोई दुख कोई कष्ट आ भी जाए, कोई विघ्न आ भी जाए तो उनका पता नहीं चलता कि आए कैसे और चले कैसे। ये परम पवित्र स्थल ये जहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर पिंडी को विराजमान होकर के माँ भगवती जहाँ पर तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो माँ जहाँ पर तीन दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्तक होकर के माँ को नमस्कार करते, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो तीनों माता जी हैं प्रसन्नता पूर्वक उन शरणार्थ भक्तों को वरदान देती, उन्हें आशीर्वाद देती है। माता महाकाली ये शरणार्थ भक्तों को शक्ति का वरदान देती, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती, निरोगी जीवन देती है, अंगसंग रक्षा करती है। माता महालक्ष्मी माँ वैष्णवी ये शरणार्थ भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, और माता महासरस्वती ये विद्या बुद्धि का वरदान देती है। इसलिए इन तीनों शक्तियों की जब कृपा होती है, इन तीनों माताओं के जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं, फिर तो जीवन में किसी चीज की कमी रहती नहीं। ज्ञान शक्ति, धन शक्ति और शरीर शक्ति,
ये तीनों शक्ति जो है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ये तीनों शक्तियाँ एक साथ विराजमान है और उन तीनों शक्तियों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से वह साधक जन फलीभूत होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों शक्तियों की ये कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ की साधना, माँ से प्रार्थना जो बतलाई गई है कि भगवती का मूल मंत्र दुर्गा, माँ दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती के द्वारा माँ की आराधना, माँ भगवती का मूल मंत्र इसका जप करना, और ये करने से जो है इन तीनों देवियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी आप इस मंत्र का पाठ करेंगे मेरे साथ और इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके अपने जीवन में ऐसा निज बना लीजिए कि प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय इस मंत्र की एक एक माला जप अवश्य करें। इस मंत्र का जप करने से इन तीनों देवियों की विशेष कृपा होती है। फिर जो है ना तो एक तो रोगों से मुक्ति मिलती है, धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है और ज्ञान की विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य की बुद्धि जब बिल्कुल ठीक काम करती है, कभी कोई गलत निर्णय नहीं करती, जिन पर इस मां सरस्वती की कृपा होती है। आप सब इस मंत्र का पाठ करेंगे मेरे साथ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। बोलो सच्चे दृढ़ तभी भजन के बेला निवेदन करांशी जयपाल जी माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोला ताली भी जाती है श्री जयपाल जी। जय कर शिर वाली बोल सच्चे दरबार की जय। कहे जन्म गवाए मैया नाम के बिना, कहे जन्म गवाए काहे जन्म गवाए मैया नाम के बिना, तो काहे जन्म गवाए मैया नाम के बिना। तेरा कोई ना सहारा मैया नाम के बिना, तेरा कोई ना सहारा मैया नाम के बिना। सभी हरायत फल का लगाया डेली ताली ने, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मर्यादा पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। पछताएगा करके लाख यतन प्यारे पछताएगा। कोई ना संकट मिटाए मैया नाम के बिना, कोई ना संकट मिटाए मैया नाम के बिना। कहे जन्म गवाए मैया नाम के बिना, तो कहे जन्म गवाए नाम के बिना, तेरा कोई ना सहारा मैया नाम के बिना। कहे जन्म गवाए मैया नाम के बिना, कहे जन्म गवाए मैया नाम के बिना।
अंत समय ना कोई तेरे साथ जाएगा सच्चे दरबार के तभी एक वचन प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंदर जी जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार के अब याद लगाए हो कुछ काम किया होता अब याद लगाए Oh,
के नाम बिना व्यर्थ था। Thank you.
जयकारा शरण बोल सच्चे दरबार की जय दाती हो शेरावाली अम्बे हो मां जगदम्बे दाती हो शेरावाली अम्बे हो मां जगदम्बे तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार ओ तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार दाती हो शेरावाली अम्बे हो मां जगदम्बे हो दाती हो शेरावाली अम्बे हो मां तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार ओ तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार गेंदा गुलाब बूटा फूल ले आ गेंदा गुलाब बूटा फूल ले तेरी चरणी चढ़ावा श्रद्धा दे नाल तेरी चरणी चढ़ावा बना के सतरंगिया तेरी करा में जय जयकार ओ तेरी करा में जय जयकार दाती हो शेरावाली अम्बे हो मां जगदम्बे मां दाती हो शेरावाली अम्बे हो मां जगदम्बे तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार ओ तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार नित जगामा जोता मैं तेरी आदती नित जगामा रज रज के गुण तेरे फिर मैं गामा रज रज के गुण तेरे फिर मैं गामा तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार ओ तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय जयकार पान सुपारी दाती नारियल भेटा पान सुपारी दाती नारियल सुनिए सत रंगे बिच लपेटा करो मैया करो मैया स्वीकार तेरी करा में जय जयकार ओ तेरी करा में जय जयकार तेरी करा में जय भालू
तेरा आज कराया दास टिक्का दे भालू तेरा आज कराया दासे मोही ते लाल जूड़ा चरनी दे पायल दास बाही ते लाल जूड़ा चरनी ते पायल दासे सिरते सिरते मा मुकुट विशा जयकारा शेरावाली दल बोल सच्चे दरबार की जय चढ़नी आओ चिया काटिया हसी आए तेरे दीदार नू मां जगदंबे शेरावाली अज थोल दे भरे भंडार नू भवानी तैथू कोई
ढाल लुकी नहीं। आ तो है जानी जान भवानी, देखो कोई ढाल लुकी नहीं। माँ तू है जानी जान भवानी, देखो कोई ढाल लुकी नहीं। भड़कदी कोई जग विच सुखी नहीं। ओ ममता दी अग भड़कदी कोई जग विच सुखी नहीं। होर न दिसदा तेरा हुण कर दे हां बेड़ा पार, तू मां जगदंबे ते कर दे उस दी उच्ची शान सदा। तू दाती दया जिस ते कर दे उस दी उच्ची शान सदा। तेरी कृपा जिस ते होवे उस दा है जग विच मान सदा। बोल सच्चे दरबार की जय। आरोड़ा सिद्धांश भ्रमते गगने दक्षिणे चक सूत्र वामे हस्त दिभ्यं भय कणकमयं पुस्तकं ज्ञान गम्य सभिन भदन्ति स्वकृत कृत जपे शास्त्र विज्ञान शब्द कर कमल धर भरती सुप्रसन्न। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास। चैत्र मास की आज पांच प्रविष्टि ही, फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज द्वादशी तिथि ही, सोमवार तदनुसार 18 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को मां भगवती की असीम अनुकंपा से मां भगवती के दरबार में
सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेष आज सोम प्रदोष व्रत भी है, द्वादशी युग त्रयोदशी ही और सोमवार सोम प्रदोष व्रत जो है ये आज ही होगा, और ऐसी पवित्र वेला में ऐसी पवित्र तिथि में जो है आप भक्तों को माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे, संतते वाने भवे, श्रीमान जसस्वी भवे, प्रज्ञा भवे भवे, भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भवे, तेजस्वी भवे, भैरी दर्भदलने व्यापार दक्ष भवे, श्री शंबर पाद पुनर्दह सर्वोपकारी भवे, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्रणाम उदयस्त, शरीर वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदात्, शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमाजो अस्तु दीर्घमाजो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलें ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे करे मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी तुम तो निषद न ध्यावत मैया जी तो निषद न ध्यावत हरे ब्रह्मा महिषासुरगाते प्रभलोचना
परम पूज्य पुजारी जी मां भगवत की पूजा
करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो से दोनों आज मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर के बोलना है ओ देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, कार्यक्रम देखे सुने और मानी मान माँ भक्ति का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदिगुरु, तृतीय त्रिदा मेरे कार्य करो हमेश जयमा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैलाठ पर जो सतगरी जो तरनादा ज्ञान जय Thank you.
ಭಜಗಂ ಚಕ್ರ ಗಣೇಶ ಭಜಗಂಡಿಂ ಚಿರಾಂಗಂ ಸರ್ವಾಂಗ
आशीर्वाद देना जोर जोर से, सबकी देनी है ठीक है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद जोर जोर से, जोर जोर से, जोर से।